माना कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मालिक है, बट क्या आप मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक ही पर्सन बोल सकते हैं? नहीं ना, यही तो है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट और वी कैन से सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट, कि कंपनी और उसके मेंबर्स दो सेपरेट पर्सन होते हैं। कंपनी के खुद के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। हे एवरीबॉडी, आई एम विशिका एंड यू आर वॉचिंग एड्यूमेंशन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट अलॉन्ग विथ इट्स थ्री इंपॉर्टेंट केस लॉस, विच इज सैलमन केस, ली केस एंड कंडोली टी कंपनी केस। सो अगर आप सी ए इंटर स्टूडेंट हैं या सी एस एग्जीक्यूटिव या सी एम ए इंटर, बी कॉम या सी एस डबल ई टी, आप सभी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ये कंसेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत सारे केस लॉस के थ्रू भी डेवलप हुआ है और हमारा कंपनीज एक्ट का एक प्रोविजन है जो इस कंसेप्ट को एस्टैब्लिश करता है, वो है सेक्शन 9 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 9 बात करता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की और वो ये बोलता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट विल हैव कैपेसिटी टू स्यू एंड बींग स्यूड, it will have a capacity to contract and it will have its own assets and own liabilities। law ये बोलता है कि एक कंपनी का जैसे ही जन्म होता है, अगर लीगल टर्म में कहें तो जैसे ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी अपने आप में एक सेपरेट लीगल पर्सन बन जाती है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अलग होते हैं फ्रॉम इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अलग होते हैं। कंपनी और मेंबर दोनों को दो अलग अलग पर्सन बोला जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट आया कहां से, तो लेट्स अंडरस्टैंड द लैंडमार्क केस ऑफ दिस कंसेप्ट विच इज सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये 1897 का केस लॉ है। इस केस में क्या हुआ था, ये एक भाई साहब थे। कौन भाई साहब थे? सैलमन भाई साहब थे। ये भैया जूते बनाने का काम करते थे, लेदर एंड शू मैन्युफैक्चरिंग। तो ये इनका अपना बिजनेस था। इनको किसी ने आके बता दिया कि भैया अगर कंपनी बना के बिजनेस करो ना तो बड़ा फायदा होता है। तो सैलमन भैया ने झटपट से क्या कर ली, एक कंपनी बना ली और उस कंपनी का नाम था सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। सैलमन भैया ने अपना बिजनेस अपनी कंपनी को बेच दिया। कितने में बेचा? 38,782 पाउंड्स में बेच दिया और इसके बदले उनको 20,000 के शेयर्स, 10,000 के सिक्योर डिबेंचर्स और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका कैश। सैलमन भैया अलोंग विद हिज वाइफ, डॉटर एंड 4 सन सब्सक्राइब्ड 1-1 शेयर ऑफ द कंपनी। तो अगर आप ये समझे कि सैलमन भैया का कंपनी के साथ रिलेशन क्या हुआ, तो सबसे पहले सैलमन भैया कंपनी के शेयर होल्डर हुए क्योंकि इनके पास कंपनी के शेयर्स हैं। दूसरा, सैलमन भैया कंपनी के सिक्योर्ड क्रेडिटर भी हुए। क्यों? क्योंकि इनके पास कंपनी के डिबेंचर्स भी हैं एंड सैलमन भैया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। तो देखा जाए तो कंपनी का पूरा कंट्रोल किसके पास था? सैलमन भैया के पास था। बट क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद सैलमन भैया की कंपनी नहीं चली, लॉस करने लग गई और सैलमन भैया की कंपनी पहुंच गई लिक्विडेशन में। और एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन जब ये देखा गया कि कंपनी की एसेट कितनी है और कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, तो ये पता चला कि एसेट तो सिर्फ 6,000 है बट लाइबिलिटीज 18,000 है, जिसमें से 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे और 8,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। ये प्लीज नोट दैट दिस डिबेंचर्स, ये जो डिबेंचर्स है ये सैलमन के ही पास है। तो क्वेश्चन ये उठता है, ये 6,000 रुपए किसको मिलेंगे? रुपए नहीं, सॉरी, पाउंड्स। क्यों? क्योंकि ये यूके का केस लॉ है इसलिए पाउंड्स। तो ये 6,000 पाउंड्स किसको मिलेंगे, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलने चाहिए कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलने चाहिए? तो ये केस गया कोर्ट में और सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कोर्ट में केस कर दिया और सैलमन भैया के ऊपर ऐसे उंगली दिखा के बोला कि ये सैलमन जो दिख रहा है, ये जो है ये कंपनी का एजेंट है। क्यों कंपनी का एजेंट है? क्योंकि कंपनी का पूरा कंट्रोल सैलमन के पास है। सैलमन इज द कंपनी ऑफ शेयर होल्डर, ही हैज द पूरा ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द कंपनी और इसीलिए ये माना जाएगा कि सैलमन और कंपनी अलग नहीं है, वो सैलमन की ही कंपनी है, इसीलिए उसको अलग पर्सन नहीं माना जाएगा और इसीलिए सैलमन को कंपनी का क्रेडिटर नहीं मान सकते,
तो उसको पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। पेमेंट किसको मिलेगा? पेमेंट पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा। ऐसा किसने कहा? ऐसे कंपनी के सारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने कहा। उसके बाद कोर्ट का फाइनल जजमेंट क्या आया पता है? कोर्ट ने बोला कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स भैया आप लोग गलत हो। क्यों? क्योंकि भले ही कंपनी का पूरा कंट्रोल सैलमन के पास है, भले ही सैलमन कंपनी का शेयर होल्डर भी है, एमडी भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कंपनी फ्रॉम इट्स वेरी इनकॉर्पोरेशन इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पर्सन एंड कंपनी एंड सैलमन बोथ आर सेपरेट लीगल पर्सन। तो कंपनी और कंपनी एंड सैलमन दोनों को अलग अलग पर्सन बोला जाएगा। इसीलिए सैलमन इन द कैपेसिटी ऑफ डिबेंचर होल्डर विल बी कंसिडर्ड एज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी एंड दस ही इज एंटाइटल्ड टू पेमेंट फर्स्ट। क्योंकि हमने पढ़ा है लिक्विडेशन के टाइम पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट में प्रायोरिटी मिलती है एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। इसीलिए सैलमन भैया क्या थे? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। कैसे? उनके पास सिक्योर्ड डिबेंचर्स थे, इसीलिए पहले पेमेंट किसको मिलेगा? सैलमन भैया को मिलेगा। तो ये तो था हमारा सैलमन भैया का केस। इसका एक और लैंडमार्क केस है, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस का नाम है ली वर्सेस ली ए फार्मिंग लिमिटेड। ये न्यूजीलैंड का केस है, ये आया था 1961 में। चलिए देखते हैं इस केस में क्या हुआ था। इस केस में ये एक भाई साहब थे। कौन भाई साहब थे? ली भाई साहब थे। ये क्या करते थे? ये प्लेन उड़ाते थे, पायलट थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी एक कंपनी बना दी झटपट से। कौन सी कंपनी बना दी? लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड बना दी। अब क्या किया? इस कंपनी के एक शेयर छोड़ के बाकी सारे शेयर सब्सक्राइब कर लिए। तो ये क्या बन गए? ली भैया कंपनी के शेयर होल्डर बन गए। ठीक है, उसके बाद ली भैया कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गए और फर्दर कंपनी के एम्प्लॉय भी बन गए। क्यों? क्योंकि वो कंपनी के चीफ पायलट बन गए थे। कंपनी के पायलट बनने के लिए उन्होंने कंपनी के साथ क्या किया? एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया और वो सैलरी विड्रॉ कर रहे थे। तो ही वॉज ऑल्सो द सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो ये तो हो गया मिस्टर ली का, उनकी कंपनी के साथ ये सारे रिलेशन। बट क्या हुआ? अचानक से एक बार प्लेन क्रैश हो गई और उस प्लेन क्रैश में मिस्टर ली चल बसे। तो मिस्टर ली तो चले गए, बचा कौन? मिस्टर ली की विडो जो है मिसेज ली। मिसेज ली पहुंच गई कंपनी के पास। कंपनी को बोला, कंपनी कंपनी मुझे मेरे हस्बैंड के डेथ का कॉम्पेंसेशन चाहिए अंडर वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट 1922। ये न्यूजीलैंड का एक्ट है। क्यों? क्योंकि ये केस जो है ये न्यूजीलैंड का केस है। तो ये कंपनी को बोली कि मेरे कंपनी क्या थे? कंपनी के एम्प्लॉय थे, तो वो वर्कर की डेफिनेशन में आएंगे, तो वो मेरे को अपने पति के डेथ का कॉम्पेंसेशन चाहिए। कंपनी ने क्या बोला? एक मिनट, हमने कंपनी के सारे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर के रखा है, इसीलिए आप हमसे मत मांगो, किसके पास जाओ? इंश्योरेंस कंपनी के पास जाओ कॉम्पेंसेशन लेने। तो मिसेज ली फिर किसके पास पहुंच गई? फिर पहुंच गई इंश्योरेंस कंपनी के पास। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या मुद्दा उठाया पता है? इंश्योरेंस कंपनी ने फिर वही बोला कि क्या कंपनी जो है वो मिस्टर ली की ही कंपनी थी, मिस्टर ली के पास ही सारा कंट्रोल था, तो कंपनी कोई सेपरेट पर्सन नहीं थी। और उन्होंने बोला क्योंकि कंपनी के एक शेयर छोड़ के बाकी सारे शेयर कौन होल्ड करके रखा था? मिस्टर ली। कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन था? मिस्टर ली। कंपनी का चीफ पायलट कौन था? मिस्टर ली। कंपनी का कंट्रोल किसके पास था? मिस्टर ली। तो कंपनी का मास्टर कौन हुआ? कंपनी का मास्टर कौन हुआ? मिस्टर ली। तो उन्होंने बोला क्योंकि वो कंपनी का मास्टर है तो वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं माना जा सकता। मिस्टर ली को कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही बंदा कंपनी का मास्टर है और वही बंदा कंपनी का सर्वेंट भी है। ये तो वही बात हो जाएगी कि अलादीन खुद जिन बन के बोल रहा है जो हुक्म मेरे आका। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला क्योंकि मिस्टर ली कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, इसीलिए उनको कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलना चाहिए। तो कोर्ट का जजमेंट क्या था? कोर्ट ने सैलमन केस को प्रिंसिपल बेसिस रखते हुए ये बोला कि नहीं, आप
गलत हैं। इंश्योरेंस कंपनी को बोला, आप गलत हैं, कंपनी और ली दोनों सेपरेटली लीगल पर्सन हैं। इट डजंट मैटर कि ली का और क्या क्या रिलेशन है कंपनी के साथ, इट डजंट मैटर कि ली कंपनी का शेयर होल्डर है, इट डजंट मैटर कि ली के पास कंपनी का पूरा कंट्रोल है, बट कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन फ्रॉम इट्स मेंबर। और यही सेपरेट पर्सनैलिटी के बेसिस पे मिस्टर ली एज अ मास्टर भी एक्ट कर पा रहे थे और एज अ सर्वेंट भी एक्ट कर पा रहे थे। सेकेंडली कोर्ट ने ये बोला, क्या बोला कि क्योंकि मिस्टर ली का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कंपनी के साथ और वो कंपनी से सैलरी विड्रॉ कर रहे थे, तो इसीलिए वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के अंदर वर्कर की डेफिनेशन के अंदर फॉल होंगे और इसीलिए उनको कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे कॉम्पेंसेशन। वन लास्ट क्विक फैक्ट, आपको पता है इंडिया में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट सबसे पहले कब स्टैब्लिश हुआ था? लेट मी टेल यू, इंडिया में कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट सैलमन केस से भी बहुत पहले आया था इन 1886। इस केस का नाम है कंडोली टी कंपनी लिमिटेड। इस केस में क्या हुआ था, कुछ 7-8 मेंबर्स थे, वो एक टी का बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंपनी बनाई कंडोली टी कंपनी लिमिटेड के नाम से और इस कंपनी को अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो दिस वॉज कंसिडर्ड एज कन्वेयंस अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट, इसीलिए द मेंबर्स वर लायबल टू पे एड वैलोरम ड्यूटी इन सच ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू स्टैम्प एक्ट। बट मेंबर्स ने क्या बोला पता है, मेंबर्स ने बोला कि नहीं नहीं, कंपनी अलग थोड़ी है, कंपनी तो हमारी ही है, तो कंपनी को सेपरेट पर्सन नहीं माना जाएगा, हम ही लोग हैं, हम ही बस 8 मेंबर्स थे जो ये बिजनेस कर रहे थे और शेयर होल्डर्स भी हम ही हैं, तो हमारे ही बीच में ट्रांसफर हो रही है, तो ये माना जाएगा कि किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो रही है, बस नाम अलग है, कंपनी तो हमारी ही है, इसीलिए इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे, तो वी विल नॉट पे एड वैलोरम ड्यूटी, ऐसा बोला कंपनी के शेयर होल्डर्स ने। बट अगेन कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने, कौन से कोर्ट ने, ये केस गया था कैलकटा हाई कोर्ट में। तो कैलकटा हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि भैया कंपनी जैसे ही इनकॉर्पोरेट हो जाती है ना, कंपनी बन जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, तो भले ही वही 8 मेंबर्स का बिजनेस था और वही लोग शेयर होल्डर्स हैं, फिर भी कंपनी को एक सेपरेट पर्सन माना जाएगा और इस केस में ये माना जाएगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन और इसीलिए इसको कन्वेयंस कंसिडर किया जाएगा अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 एंड हेंस द शेयर होल्डर्स विल बी लाइबल टू पे एड वैलोरम ड्यूटी। तो ये तो हुआ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट कि कंपनी की अपनी स्टेटस अलग होती है फ्रॉम इट्स मेंबर एंड दे बोथ आर कंसिडर्ड एज सेपरेट लीगल पर्सन। बट आपको पता है कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट हटा दिया जाता है, वो केस है उसको हम बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, जिसको हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया हो और अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग बिकॉज द मोर यू लर्न द मोर यू ग्रो एंड द मोर यू अचीव।